आज मैं अपनी पाइन सिटी की फेज टू जो है उसका एक साइट विजिट लेके आ रहा हूँ। चंद दिन पहले मैंने उसके साइट विजिट किया और उसमें मैंने कोशिश की कि जहाँ तक फेज टू के अंदर हम जा सकते थे वहाँ पे हम गए। इवन जहाँ तक गाड़ी आ सकती थी वहाँ हमने गाड़ी को लेके गए। उससे आगे जो पैदल वॉक थी जहाँ तक उनका रोड फेज टू के अंदर जो जहाँ तक रोड उन्होंने कटिंग कर दी है वहां तक मैं गया हूँ और वो साथ में आज की वीडियो के अंदर वो सारी डिटेल आपके साथ शेयर करना। ये जो टूर था मेरा राउंड में कोई घंटे डेढ़ घंटे का टूर था हमारा, लेकिन मैंने आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड की है। ये उसको इतना शॉर्ट करके और मैंने बाद जगहों पे वीडियो को आपको उस एरिया की लोकेशन दिखाई, लेकिन उसकी स्पीड पे चला के मैंने ऑलमोस्ट कोशिश की है कि 12 से 15 मिनट के ऊपर मैं ले गया। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, जब आप कंप्लीट देखेंगे तो बहुत से क्वेश्चन के आपको आंसर मिल जाएंगे। क्योंकि तो बहुत दफा ऐसा होता है जब मुझे आपने से बहुत साहब आप कॉन्टेक्ट कर रहे थे और उस वक्त वो बेसिक क्वेश्चन कर रहे थे जो मैं ऑलरेडी उस अपनी वीडियो के अंदर बता चुका होता हूँ, वही चीज बार बार रिपीट कर रहे। तो अगर आपने एक दफा वो वीडियो कम्प्लीट देख लेंगे तो आपको मुमकिन है वो बेसिक क्वेश्चन की जरूरत न रहे। तो आज मैं आपको पाइन सिटी का जो फेज वन है वो एरिया भी दिखाऊंगा, उससे हम गुजर के जब फेज टू के अंदर जाएंगे जो उसका ए ब्लॉक में जहाँ तक मेन कटिंग हो चुकी है वो सारा आपको दिखा रहे। लेकिन उस पर बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसके बाद और उसमें साथ साथ आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करता जाऊंगा। इस दफा इस टूर के अंदर एक बैड लक मेरी ये हुई कि मेरा जो माइक था वो खराब हो गया और मैं जिस रिकॉर्ड कर रहा था वहाँ पे अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा था तो रिकॉर्डिंग वहाँ पे आवाज बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं हुई। अभी उसके ऊपर वो मैं डिटेल से वीडियो वॉइस ओवर के लिए मैं आपको उसको सारा। तो आइए चलते हैं, मैं नजरिंग आपको एलसीडी स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूँ। ये मेरी बैग के ऊपर जो लगी हुई है इसके ऊपर हम देखते हैं कि इस दफा का टूर कैसा रहा और आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है वीडियो। फिर स्वागत है, हमने अपने सफर का आगाज किया। अभी हम डायना वैली के पास से गुजर रहे हैं। एक चीज आप देखिए कि सारे का सारे एरिया लश ग्रीन एरिया है, बहुत खूबसूरत एरिया है। इसके अंदर आप कहीं से भी जाते हैं आपको लश ग्रीन एरियाज नजर आएंगे। ये जो मटा गांव का आपको बोर्ड नजर आ रहा है ये ऑलमोस्ट इस जगह पे इसका थर्ड गेट बनेगा और यहाँ सेकंड गेट इसका बनेगा। अभी जो इसका फोर्थ गेट है मेन वाला जो है वहां से हम एंटर होने लगे हैं, या हम मेन गेट से एंटर होने लगे हैं। यहाँ सिक्योरिटी का बड़ा अच्छा इंतजाम किया हुआ है, पूरी सोसाइटी के अंदर सिक्योरिटी के इंतजाम मौजूद हैं। अब हम सोसाइटी के अंदर पाइन सिटी के अंदर दाखिल हो गए और आप ये देखिए कि रोडों के साइडों पे भी अब ग्रास वगैरह का काम हो गया है। जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी उस वक्त इतना ग्रास वगैरह का हिस्सा से इतनी खूबसूरती नहीं थी, अब माशाल्लाह ज्यादा खूबसूरत एरिया हो गया। ये जो बिल्डिंग आपको मैं दिखाने लगा हूँ ये लेफ्ट साइड के ऊपर ये पाइन सनसेट की बिल्डिंग है जो अब अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये सेक्टर मॉस्क जो बन रही है वो आपके सामने है, जो इसकी फेज वन के अंदर जो मॉस्क बन रही है।
और ये पाइन रेजिडेंशिया की बिल्डिंग ऑलमोस्ट फिनिशिंग के करीब है, एक्सपेक्टेड है दिसंबर में इसकी ये पोजीशन दे देंगे। अभी हम फेज टू की तरफ जा रहे हैं। ये एक छोटी सी झील इसके अंदर आप देख रहे हैं, इस झील की ये लेफ्ट साइड पे जो रोड ऊपर से आ रहा है यहां से हम लोग आए हैं, और ये फेज वन के से रोड आ रहा है। इसी तरह से ये झील की जो राइट साइड के ऊपर का जितना भी एरिया है ये सारे के सारा पाइन कॉटेजेस के लिए है। ये फेज वन के अंदर जो पाइन कॉटेजेस बन रहे हैं ये सारे के सारा एरिया उसके लिए मुख्तस किया हुआ है। और ये जो रोड यहाँ से ऊपर आपको जाता नजर आ रहा है ये रोड आपको फेज टू के अंदर लेके जाएगा, और ये जो इस साइड पे ये जो रोड नीचे वाली साइड पे जा रहा है ये रोड जो इसकी मेन आबशार है वाटरफॉल है वहां उसकी तरफ जा रहा है ये रास्ता। ये एक फार्म हाउस इसके अंदर बना हुआ। ये एक चार किनार का फार्म हाउस है और इसके नीचे वो एक दूसरा फार्म हाउस जो बना हुआ है, इसकी बाउंड्री आप देख सकते हैं यहाँ पे बाउंड्री लगा के इन्होंने कवर किया है इसे। ये पाइन रेजिडेंशियल की बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, इससे पाइन वुड रिजॉर्ट की बिल्डिंग। ये जो रास्ता सामने नजर आ रहा है ये आपको फेज टू की तरफ लेके जाएगा। अभी हम कॉटेजेस पाइन कॉटेजेस के पास हैं। पाइन कॉटेजेस है जब ये लॉन्च किए गए थे 7 मरले 10 मरले के अंदर लॉन्च किए गए थे, और उस वक्त इनकी प्राइस थी कोई 80-85 लाख रुपीज थी, और इस वक्त ये आपको रीसेल के अंदर 130 के राउंड अबाउट आप मिलते हैं, यानी 1 करोड़ 30 लाख के राउंड अबाउट आपको मिल रहे हैं। तो ये पाइन कॉटेजेस भी ऑलमोस्ट फिनिशिंग की वाली साइड पे ये जा रहे हैं। ये एक और व्यू सामने वाली साइड से इसका, वही कॉटेजेस का व्यू। और ये बड़ा खूबसूरत सा एक झरना था जो रोड के बिल्कुल साथ करके है, और बड़ा जबरदस्त साफ सुथरा पानी शफाफ पानी था, और जस्ट एक मिनट के अंदर यहाँ पे खड़े हुए और बिल्कुल थकन सारी उतर गई। अभी हम फेज टू की तरफ जा रहे हैं और इसके बाद आगे पैदल जाएंगे। ये जो अभी हम यहाँ गाड़ी रोकने लगे इसके सामने आपको ये सारा एरिया पैदल का एरिया है। यहाँ पे मेन रोड जो है वो उसकी कटाई हो चुकी है, आप ये देख रहे हैं ये जो पत्थर वगैरह देख रहे हैं ये रोड कटा हुआ है और मुश्किल काम इन्होंने निकाल दिया है। अब इसके ऊपर जो कार्पेटिंग वगैरह होनी है, गैडा डालना है, बजी डालनी है, कार्पेटिंग होनी है, ये बाद में होगा। इस वक्त मैं फेज टू का जो सेक्टर ए है उसके एरिया में आ चुका हूँ। यहाँ पे ये उसकी टॉप की हाइट की पोजिशन पे है, और यहाँ से मैं आपको सामने का जो रोड सेक्टर ए की तरफ जा रहा है, फिर ये सामने इसका जो दिखा रहा हूँ ये टॉप से जो आपको वैली व्यू नजर आ रहा है, और ये सनसेट का व्यू बनता है आपका, और यहाँ से वैली का एक बड़ा जबरदस्त व्यू आपको नजर आएगा, और ये बिल्कुल टॉप पे है। और इसके साथ यहाँ ग्रीन एरियाज भी हैं, यहाँ पे ये सारा आप वैली व्यू देख रहे हैं ये सामने। और ये रोड सेक्टर ए की तरफ जो रोड जा रहा है ये वो वाला रोड है, और यहाँ पे रोड ज्यादा कच्चा रोड था। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये इसका ग्रीन एरिया है, पैचेज हैं, और फिर ये टॉप पे अगर आप देखें तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी आपको नजर आ रही है, बंदर वगैरह भी यहाँ नजर आए। फेज टू की जो ये ए सेक्टर ए के अंदर जो टॉप है जहां से हमें फेज वन भी साफ नजर आ रहा है, अभी मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। हिल टॉप है इस एरिया का, उसके ऊपर हूँ यहाँ पे।
जिस सामने आपको एक फार्म हाउस बना हुआ नजर आ रहा है, फिर इसी तरह से यहाँ से फार्म हाउस नजर आएगा जो सामने में दिखा रहा हूँ, ये सामने है एक फार्म हाउस नजर आ रहा है, फिर ये सामने जो आप देख रहे हैं ये पाइन रेजिडेंशिया और पाइन सनसेट की बिल्डिंग्स, और फिर जो रोड्स हैं वो आप देख रहे हैं ये सामने, इसके अंदर जो डिफरेंट रोड्स बने हुए हैं। अब मैं जरा सा इसे जूम करके आपको दिखाने लगा, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये सामने व्हाइट कलर वाली बिल्डिंग, ये पाइन रेजिडेंशिया की बिल्डिंग है। इसके साथ पाइन सनसेट की बिल्डिंग आप देख रहे हैं सामने। फिर ये जो जूम करके लाल किला आपको दिखाया है, इसी तरह से ये पाइन वुड रिजॉर्ट की बिल्डिंग मैंने आपको दिखाई है अभी, ये राइट साइड पे टॉप पे जो आपको बिल्डिंग जोन नजर आ रही है ये पाइन वुड रिजॉर्ट की बिल्डिंग्स हैं। और ये सामने जो फार्म हाउस जिसके पास हम गए हुए थे चार किनार का, और उसके साथ जो एक बना हुआ फार्म हाउस है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे। और ये इसके ऊपर बिल्कुल प्लेन एरिया है यहाँ पे जो टॉप पे है, और इसके साथ ग्रीन एरियाज भी थे उसमें, यानी आप अब हम यहाँ से वापस निकले और रोड अगेन आपको दिखा रहा हूँ कि रोड आप ये देखिए कि जो मुश्किल टाइम था वो इन्होंने कट कर दिया, पत्थरों की जो कटाई थी वो कर दी, अब जस्ट इसके ऊपर लेवलिंग करनी है इन्होंने, यानी लेवलिंग करनी है, गैरा डालना है, बजरी डालनी है और उसके बाद लुक डालनी है। तो ये ऑलमोस्ट इनका एक दो महीने का काम है, जब रोड पहुंच जाएगा फेज टू का जो सेक्टर ए है उस तक ऑलमोस्ट रोड पहुंचा हुआ है, उसके स्टार्टिंग में रोड आ चुका है। तो यहाँ अगर हम देखें हमारी अपनी असेसमेंट है कि फेज टू का जो सेक्टर ए है और बी, इसके अंदर 6 से 8 महीनों में आराम से रोड पहुंच जाएगा। ये ऐसी लोकेशन है कि जहाँ पे पोजिशन भी जल्दी मिलने के चांसेस। तो नाज़रीन आज मैंने ट्राई की कि मैं आपको पाइन सिटी का फेज वन और फेज टू दोनों के विजिट करवा दूं, और फेज टू का जो सेक्टर ए है वहां तक मैं गया हूं अपने साथियों के साथ, हम लोग गए वहां पे, हमने वीडियो प्रॉपरली सारी रिकॉर्ड की, वो आपके साथ मैंने आज शेयर की। नाज़रीन अगर आप पाइन सिटी के वाले से किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपने इसकी बुकिंग का प्रोसेस जानना है, आपने इसकी प्राइसिंग के हवाले से जानना है, आपने इसकी लोकेशन के हवाले से डिटेल्स कुछ भी जानना चाहे, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आखिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों और अहबाब के साथ शेयर भी कर दीजिए। आप सब दोस्तों को देखने सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।